गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो आप लोग को हम उस दिन जो है 7.6 एक्सरसाइज भेजे थे, जिसमें से एक डाउट आया था कि क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है सर, राइट? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को डाउट दिया गया था, अभी हमारे व्हाट्सएप पे भेजा गया था, जूली ने भेजा था। चलिए, तो उसको हम लोग बना लेते हैं। एक मिनट जरा, आज मेरे पास बुक नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड करेंगे आप लोग। यस, ये रहा। चलिए, तो इसमें का चलिए, तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एग्जांपल का पूछे थे कि क्वेश्चन नंबर 10 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके साथ साथ कई और एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि आप लोग बनाए हैं 7.6, आप लोग बनाए हैं, जरा रिप्लाई कीजिए आप लोग, 7.6 आप लोग बनाए हैं कि नहीं, जरा रिप्लाई कीजिए आप लोग, 7.6 आप लोगों ने बनाया है, टच किए हैं आप लोग? रिप्लाई तो कीजिए भाई, किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोगों ने? 7.6 बनाया है? नहीं, अभी एग्जांपल बनाए हैं, बताइए। दो दिन हो गया, ये आपको मेरे ख्याल से फ्राइडे का, मंडे का ही होमवर्क है सर, मंडे या ट्यूसडे का। कल तो हम क्लास नहीं किए थे, ये ट्यूसडे का आपको होमवर्क है, और आज जो है थर्सडे हो गया, एग्जाम्पल बनाए हैं। चलिए, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन इस पर बेस्ट बताता हूँ आप लोग को। अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं इस पर बताता हूँ, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें का, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। हाँ हाँ, आप लोग लेकिन जल्दी जल्दी बनाइए, ये तो मैंने सोचा था आप लोग ऐसे ही बना लेंगे एकदम जल्दी जल्दी में। ये बहुत ईजी चैप्टर है, आप लोग शायद इसको देखे नहीं ढंग से आप लोग, है ना? चलिए, एक क्वेश्चन है जूली का, पहले क्वेश्चन जो डाउट क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल सो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऑन द अदर टू साइड्स। बताइए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? एक राइट ट्रायंगल है आपको एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है कि इसके एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके हाइपोटेनस में बना दिया गया, है ना? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके हाइपोटेनस में बना दिया गया, और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वह इसके साइड्स पे बना दिया गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इन दोनों के एरिया का सम, इन दोनों के एरिया का सम
इसका एरिया होगा, ठीक है ना, इन दोनों, ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों के एरिया का सम इसके बराबर होगा, बस यही प्रूव करना है। तो लेट्स से पी क्यू एंड आर, ठीक है, आप जानते हैं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं सब सिमिलर होते हैं, नहीं, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वे सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो फिर आइए, जब सिमिलर होते हैं तो एक बात बताइए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर होगा, तो ठीक है सिमिलर कर दीजिए, एरिया आपको इसका आप लोग कर दीजिए सिमिलर, तो ये क्या हो जाएगा आपको एरिया ट्रायंगल ए बी, एरिया ट्रायंगल मतलब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल अगर मान लीजिए कि सिमिलर है तो हम लोग लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी, ए बी पी, ए बी पी बाई एरिया ट्रायंगल आर सी ए, एरिया ट्रायंगल ए सी आर, एरिया ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है, बताइए तो कितना होगा, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इनका है ए बी, है ना, और एक इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, इन दोनों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, करेक्ट बात है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब उसके बाद में ये वाला और ये वाला भी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों भी सिमिलर है, अब आपको पता है ना कि जितने भी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सब सिमिलर है, तो इनके भी जो एरिया का रेशियो होगा वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, तो वही बात कर देते हैं फिर इसमें भी कि एरिया ट्रायंगल बी सी क्यू बाई एरिया ट्रायंगल ए सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, ये इक्वेशन टू हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, आप कहिएगा कि सर आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहां पर देखिए ये ए बी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर पाइथागोरस रिलेशन आपको दे देगा ट्रायंगल ए बी सी में, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, है ना, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब आगे मैं फिगर रफ कर दूं, फिगर की तो अब कोई जरूरत नहीं है, है ना, तो चलिए मैं यहां से फिगर रफ कर देता हूं, चलिए अब नीचे ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी पी बाई एरिया ट्रायंगल ए सी आर प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी क्यू बाई एरिया ट्रायंगल ए सी आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, करेक्ट है। अब बताइए ए सी स्क्वायर इसमें एलसीएम हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ए सी स्क्वायर जो है वह एलसीएम हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आपको कितना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या होगा ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर कट करके कितना आ गया वन, यानी इतना इक्वल टू वन आया, ठीक है, तो इधर भी जब एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए सी आर और एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी क्यू इक्वल टू वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ना एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी क्यू इक्वल टू एरिया एरिया ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है, यही तो हमको प्रूव करना था कि हाइपोटेनस पर, यस यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो हाइपोटेनस पर जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा ये साइड पर के दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, है ना, समझ में आया आपको जूली, आपका प्रॉब्लम था, आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करता हूं, सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग को पता था कि सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल है, क्लियर है, सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या है इसमें सब सिमिलर होंगे एक दूसरे के, है ना, और इस हिसाब से हम लोगों ने क्या कर लिया कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हम लोगों ने ले लिया, है ना, चलिए ठीक है ओके आगे आइए।
चलिए अब आइए हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी है ना, और इसमें जो है डीई पैरेलल टू बीसी है, एक लाइन है डीई जो पैरेलल टू बीसी है, राइट। और भी चीज गिवन है, गिवन है आपको एडी बाई डीबी इक्वल टू 5/4। तो आपसे पूछता है कि फाइंड एरिया ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ट्रायंगल सीएफबी क्या होगा, यही आपको निकालने के लिए बोल रहा है। और फिगर ये आपको मैं कंप्लीट कर देता हूं, ये कुछ फिगर है, राइट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एरिया ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ट्रायंगल सीएफबी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है ना, जिसमें डी डीई, ये डीई है, ये डीई पैरेलल टू बीसी है, और ये भी दिया हुआ है कि एडी बाय डीबी है ना 5/4 है। तो कहता है कि एरिया ट्रायंगल डीएफ डीईएफ और सीएफबी आप निकालिए कि इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, इन इन ट्रायंगल को, तो ए डी ई इस ट्रायंगल को और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को ए बी सी, इनको हम लोग क्या करते हैं सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो सिंपल बात है, एक एंगल तो कॉमन है, एक एंगल तो कॉमन है, दूसरा आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो गए, देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए आपको सिमिलर हो गए, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए डी ई, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन और एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, करेक्ट बात है ये दोनों। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई ए ए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल भी तो हो जाएंगे, तो कर दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में हमारा क्या हो जाएगा AD by AD, क्या हो जाएगा AD by AD by AB equal to DE by BC, DE by BC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इतना तो हम लोग इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, जरा इसको रिप्लाई करते रहिए, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं गिवन क्या है उस पे आइए, गिवन है हमारे पास AD by DB इक्वल टू 5/4, उलट दीजिए इसको, DB by AB इक्वल टू हो जाएगा 4/5 और दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा DB by AB प्लस 1, 4/5 प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है, अदर्स निकाल भी लिए, वेरी गुड, 25/18 देखिए हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपको DB प्लस AD by AD इक्वल टू 4/5/5, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहां पर DB और AD मिलाकर के AB लिख सकते हैं हम लोग, तो AB by AD इक्वल टू क्या आ गया 9/5 आ गया, AB by AD इक्वल टू क्या आ गया 9/5 आ जाएगा, तो फिर AD by AD क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, कितना, यस यस 25/81 होगा, करेक्ट, आदर्श आपका सही है ना, ये 5/9 आ गया, यानी AD by AD इक्वल टू क्या आ गया 5/9। अब यहां पर देखिए जो हम लोग को रिजल्ट मिला था,
AD by AB equal to DE by BC है कि नहीं, और AD by AB equal to 5 by 9 है, इसलिए DE by BC भी क्या हो जाएगा, DE by BC भी क्या हो जाएगा, आपको यहीं पर लिख दीजिए, therefore DE by BC equal to 5 by 9 हो गया। अब हमें पता चल गया कि DE और BC जो है वह क्या है, 5 by 9 है। ठीक, अब आइए हम लोग जो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए ये इनका वर्टिकली या पूरी एंगल इक्वल है, राइट है, फिर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों इक्वल है, राइट। अब देखिए तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्विएंगुलर हो गया, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल CBF, टू ट्रायंगल CBF, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का वही रेशियो होगा जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल DEF बाय एरिया ट्रायंगल CBF इक्वल टू, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो यही है ना भाई, DE और BC कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो लिखेंगे यहां पर DE बाय BC स्क्वायर, है ना, और आपको पता है कि DE बाय BC 5 बाय 9 है, तो 5 बाय 9 का स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 81, वेरी गुड, आदर्श आपका सही है ना, तो 25 बाय 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑडियो वीडियो में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए एक बार और समझा देते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो, नहीं तो आप लोग रिप्लाई कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल ABC है इन विच DE पैरेलल टू BC, देन आया समझ में, देन हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि एरिया ट्रायंगल DEF बाय एरिया ट्रायंगल CFB, समझ गए ना आप लोग, चलिए तो फिर समझ गए तो क्या समझाना, और आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं ऐसा। ठीक है क्लियर है तो बढ़िया है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक फिगर अब मैं आपको दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC जिसमें AC के पैरेलल एक XY लाइन है, है ना, एसी के पैरेलल एक XY लाइन है, राइट, और आपसे कहता है डिवाइड्स ट्रायंगुलर रीजन ABC इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया, है ना, ये जो XY लाइन है ना, वो क्या करता है ABC को टू पार्ट्स में बांटता है जिसका एरिया क्या है, इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये XY लाइन AC के पैरेलल तो है ही, लेकिन यह पूरे ट्रायंगल ABC को इस तरह से डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि वह इक्वल एरिया है, मतलब इनका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल BYX है इसका एरिया इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल XYCA, राइट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, डिटरमाइन AX/AB, AX/AB आप लोगों को निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, AX/AB आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या-क्या गिवन है XY पैरेलल टू AC, और उसके बाद क्या गिवन है कि एरिया ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल XYCA, ठीक है, एरिया ट्रायंगल का है क्वाड्रिलेटरल, एरिया क्वाड्रिलेटरल XYCA, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, तो एक बात बताइए,
अब यहां पर बताइए कि XY पैरेलल टू AC है, XY पैरेलल टू AC है, और ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है वह ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, करेक्ट बात है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC एंड BXY एंड ट्रायंगल BXY। देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, एक तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल BXY इक्वल टू एंगल BAC होगा, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि बी ये भी तो होगा, ये वाला और ये वाला भी दोनों इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए इसको भी, तो सीधा एंगल बी जो है वह कॉमन एंगल है, एंगल बी इज कॉमन एंगल, तो क्या हो जाएगा ये आपको बाय ए ए, आप क्या लिख देंगे ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एक्स वाई लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों का एरिया जो होगा, दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, तो एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी बी ए बी एक्स और बी ए, यानी कि बी एक्स बाई बी ए का स्क्वायर होगा, ठीक है, करेक्ट बात है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों का रेशियो अगर हमें पता हो जाए तो हमको इसका रेशियो निकल सकता है, हमें इसका रेशियो निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे, एक मिनट होल्ड करेंगे, चलिए तो एक मिनट, चलिए ठीक है। अब यहां पर हम लोग को आ गया ये क्या आपको बी एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है कि एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई, मतलब कि इस एरिया, ये वाला एरिया है ना और ये वाला एरिया दोनों बराबर है, यानी कि हम पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं इन दोनों के, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग इस रिलेशन का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा क्या BXY, टू एरिया ट्रायंगल BXY, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल का दोगुना होगा, बताइए ये सर, नो रिप्लाई कीजिए, इस वाले ट्रायंगल का दोगुना होगा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया की नहीं, आप लोग रिप्लाई दीजिए, यस यस बी ए सी होगा, एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई इक्वल टू 1/2 एरिया, हाँ वही बात है, वही बात लिखे हैं हम भी, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा एक बात बताइए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया ट्रायंगल बी ए सी और ये इधर आएगा जो आप लोग इनके भेजे हैं हमको कि 1/2 हो जाएगा, राइट, यानी इसका रेशियो जो है 1/2 है, और यही बात यहां पर पुट कर दीजिए ना, यहां उल्टा है तो उल्टा क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू 2/1, थोड़ा बुक नहीं है इसलिए परेशानी हो रही है, ठीक है, बी ए सी बी एक्स वाई बाई ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू 2/1 हो गया। अब यहां पर भी हम लोग 2/1 पुट कर सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन में देखिए बोर्ड के, है ना, इस वाले पोर्शन में देखिए आप क्या लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2BA स्क्वायर, यानी कि बी एक्स का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं √2BA का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ये बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा √√2BA, बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा √√2BA, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है ax बाई ए बी निकालना है, तो देख लीजिए आ गया,
ये आ गया आपको बी एक्स बाई बी ए इक्वल टू क्या आ गया आपको रूट टू आ गया, बी एक्स बाई बी ए इक्वल टू रूट टू। अब इसी से देख लीजिए कि कैसे आ जाएगा आपको, आपको तो लेना है ए एक्स ना, आपको क्या लेना है ए एक्स लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ वन माइनस कर लेते हैं, दोनों तरफ इधर भी वन माइनस कर दीजिए, इधर भी वन माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम आपका ए बी हो गया और ए बी माइनस बी एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट टू आ गया। अब बताइए ये पूरे ए बी में से बी एक्स को माइनस कीजिएगा तो ए एक्स बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू वन माइनस रूट टू, यही आना है आपको ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू वन माइनस रूट टू आना है। देखिए तो है ना, यहां पर अगर हम लोग दोनों तरफ पहले हम लोग क्या करें माइनस माइनस कर दें और दोनों तरफ वन वन कर, एक मिनट थोड़ा सा तो इसमें एक मिनट, वन माइनस दोनों तरफ हम लोग किए हैं या फिर आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड आप लोग यहीं पर हम लोग सीधा सीधा समझने में थोड़ा एकदम आसानी होगा। ये बी एक्स को तो हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं क्या, बी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहीं पर ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं बी एक्स को, और ये क्या हो गया रूट अंडर टू ए बी। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स, और ए बी कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हम लोग का वन माइनस रूट टू इक्वल टू ए एक्स, ठीक तो बनाए थे वन माइनस रूट टू इक्वल टू ए एक्स बाई ए बी होगा, यही आंसर होगा वन माइनस रूट टू इक्वल टू ए एक्स बाई ए बी होगा, ठीक है वन माइनस रूट टू इक्वल टू ए एक्स बाई ए बी होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को रिप्लाई दीजिए, ये रिप्लाई दीजिए, आप लोग को दिखाई भी दे रहा है और समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं एक बार आपको इसमें और रिपीट करूं। देखिए इसमें आपको ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ था जिसमें एक्स वाई पैरेलल टू एसी दिया हुआ था और आपसे कहा जा रहा था ये भी कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि इसके एरिया का दोगुना पूरा बड़ा वाला। आपके रेशियो में मिस्टेक हुआ है, कहां एरिया के रेशियो में कहां मिस्टेक हुआ है बोलो भाई, एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई और बी ए सी राइट, तो यह आया आपको कितना वन बाई टू आया, तो यहां पर आ गया हमको एरिया ट्रायंगल बी ए सी बाई बी एक्स वाई, है ना, ठीक तो है बी एक्स वाई इक्वल टू एक मिनट यहां पर टू होगा ना, सीधा टू होगा बच्चों, यहां पर आपको यहां पर अब वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है वन बाई टू बी एक्स वाई और बी एस सी, बी एक्स वाई और बी एस सी यहां वन बाई टू आया, ठीक वन बाई टू, एक मिनट सॉरी वो मिस्टेक से लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आ गया आपको बी ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी एक्स स्क्वायर, यानी कि बी ए स्क्वायर इक्वल टू रूट टू बी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बी ए इक्वल टू रूट अंडर टू बी ए माइनस, इसको लिख सकते हैं ए एक्स ना, ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं, हो गया बस आप लोग समझ गए ना, ये हो गया आपको ए बी इक्वल टू रूट अंडर टू ए बी माइनस रूट अंडर टू ए एक्स, और ये इधर आएगा चाहे इसी को इधर लेके आइए रूट अंडर टू ए एक्स इक्वल टू रूट अंडर टू ए बी माइनस ए बी, और ए बी कॉमन तो रूट अंडर टू माइनस वन और रूट अंडर टू ए एक्स, तो ए एक्स इक्वल ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ए एक्स बाई ए बी आ जाएगा रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है अब तो क्लियर है आप लोगों को। यहां पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हम लोगों ने टू के जगह पे वन बाई टू हम लोग लिख लिए थे, क्योंकि आप देखो ना ये है दोगुना, एरिया ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू टू एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई है, इसलिए जब बी एक्स वाई को आप इधर लेके आएंगे तो टू बचेगा ना इधर,
तो इसलिए जब इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको जब होल स्क्वायर में करेंगे तो 2 जो होगा वो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो √√2 bx का स्क्वायर कट गया, और अब इस bx को हम लोग ab माइनस ax लिख सकते हैं, लिख दिए, चलिए, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन खत्म करते हैं, ठीक है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप लोग इसको बना करके रखिएगा, पूरा एक्सरसाइज आप लोग प्लीज कंप्लीट करके रखेंगे आप लोग, रिप्लाई दीजिए। कल आप लोग 7.6 पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, उसमें जो डाउट होगा आप लोग का बनेगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग फटाफट ट्रायंगल को खत्म करके और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बना करके रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। खूब मन से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, डाउट वगैरह पूछा कीजिए ग्रुप में आप लोग, ओके।